दोस्तों इन दोनों में से असली टॉम एंड जेरी कौन सा है? और पहले निंजा हथौड़ी कुछ ऐसा नहीं ऐसा दिखाई देता था। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों ये सब कार्टून तो आपने देखे ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं ये कार्टून शुरू से ही ऐसे नहीं थे? तो दोस्तों हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि हमारे कार्टून पहले कैसे दिखाई देते थे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है समरिया। नंबर 1 डोरेमोन। हम सभी का फेवरेट कार्टून डोरेमोन जो हमें इस तरह का दिखाई देता है, जिसे बच्चे देखना बहुत ही पसंद करते हैं। लेकिन 1969 में डोरेमोन कॉमिक बुक के रूप में था जो कुछ ऐसे दिखता था, जिसे बच्चे पढ़ना बहुत ही पसंद करते थे। फिर 1973 में डोरेमोन का पहला एपिसोड आता है जो उस समय के एनिमेशन के हिसाब से कुछ इस तरह का दिखाई देता था, जिसमें डोरेमोन काफी ज्यादा बड़ा दिखता था और नोबिता कुछ ऐसा दिखता था। ये रहा आज का नोबिता और 1973 का नोबिता। इन दोनों की एनिमेशन में कितना फर्क है ये तो आप खुद ही देख सकते हो। बात सही है। नंबर 2 निंजा हथौड़ी, जिसका एनिमेशन कुछ इस तरह का है। लेकिन निंजा हथौड़ी का एनिमेशन पहले से ऐसा नहीं था। निंजा हथौड़ी 1966 में कुछ इस तरह का दिखाई देता था, जो एक फिल्मी ड्रामा था जिसे बच्चों के लिए ही बनाया गया था। लेकिन इसे देखने के बाद बच्चे बहुत ही ज्यादा डर जाते थे, इसीलिए इस फिल्मी ड्रामा को डिसकॉन्टिन्यू कर दिया गया। फिर 28 सितंबर 1989 को निंजा हथौड़ी का पहला एनिमेशन कार्टून आता है जो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। फिर 2010 में निंजा हथौड़ी कुछ इस का दिखता है। दोस्तों आपका फेवरेट कार्टून कौन सा है कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख देना। नंबर 3 टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी एक ऐसा कार्टून जिसे बच्चे और बड़े दोनों ही देखना बहुत पसंद करते हैं। लेकिन जैसा ये कार्टून अभी दिखाई देता है, पहले ये वैसा बिल्कुल भी नहीं दिखता था। 1940 में जब पहली बार ये शो लॉन्च हुआ तो कुछ ऐसा दिखाई देता था। फिर 1947 से टॉम एंड जेरी इवॉल्व होता रहा और आज हमें टॉम एंड जेरी कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। नंबर 4 शिनचैन। हम सभी का वन ऑफ द फेवरेट कार्टून जो आज कुछ इस तरह का दिखता है। लेकिन आज जैसा शिनचैन दिखता है, पहले ऐसा नहीं दिखता था। 1992 में शिनचैन कुछ इस तरह का दिखाई देता था और धीरे धीरे इवॉल्व होते होते शिनचैन हमें आज जैसा दिखाई देने लगा। शिनचैन कार्टून में उतना इवोल्यूशन नहीं हुआ है जितना बाकी कार्टून्स में हुआ है। इवोल्यूशन के नाम पर शिनचैन में सिर्फ शिनचैन का फेस ही इवॉल्व हुआ, बाकी शिनचैन की हरकतें तो पहली जैसी ही थी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। And thank you for watching.